गाइस, लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर सीरीज, राइट। तो अपना लास्ट क्लास में हमने किया था प्रोजेक्शन रूल, इजन इट। तो आज हम पढ़ेंगे नेपियर्स एनालॉजी एंड हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। सो नेपियर्स एनालॉजी का दूसरा नाम है टेंजेंट रूल, और हम इसको ना प्यार से नेपियर्स छोटा लर्जी भी बुलाते हैं, बट दैट्स एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। ये अपना रूल नंबर 4 है नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल, ठीक है। सो व्हाट डज नेपियर्स एनालॉजी टेल अस, सिंस यू नो इसका नाम है टेंजेंट, इसमें टैन रहेगा, ठीक है। सो जस्ट लाइक वी हैव 3 प्रोजेक्शन रूल्स, वी आल्सो हैव 3 नेपियर्स एनालॉजीज, ठीक है। सो व्हाट डज इट सी, tan, ये देखो half of difference of any two angles, है ना, half of difference of any two angles is equal to, ये देखो these are angles, है ना। अब RHS में sides होंगे और बस यही इसी के हिसाब से रहेगा, है ना, a minus b, तो यहाँ रहेगा a minus b upon a plus b, ठीक है, a minus b upon a plus b into RHS में cot c by p, ठीक है, cot of the third angle, cot of the third angle, ठीक है। तो a minus b is a minus b upon a plus b into cot c by 2, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला tangent rule या neighbors property। तो what about the second one, tan, ये तो हम जानते हैं a minus b, तो next वाला रहेगा b minus c, right, b minus c upon 2 is obviously you could guess a minus b के लिए a minus b a plus b, similarly b minus c के लिए b minus c b plus c into cot of half of third angle which is a upon 2, right, or tisra, tan c minus a by 2 is equal to c minus a upon c plus a into cot of half of third angle which is b, b ka aadha, right, okay, fine. The point is, when do we use Napier's analogy? When do we use Napier's analogy? When? Right? Now you see, if you look at LHS and if you look at RHS, look at this size, है ना? Look at this size. ये जो है, शायद से आपको ये देखके feel आ रहा होगा component दो dividend दो का, है ना? A minus B upon A plus B, isn't it? So क्या है basically? If you have been given any two sides, है ना? Any two sides. And remember, उसका रेशियो भी चलेगा, we need not know the two sides, है ना? So when do we apply Napier's analogy? Any two sides given, या remember उनका रेशियो भी चलेगा, है ना? Remember अगर मान लो आपके पास a upon b होता, say 2 upon 1, say a upon b is given to be 2, है ना? So remember, we can always apply dividendo componendo, 2 minus 1 upon 2 plus 1, isn't it? So a और b exactly पता होने की जरूरत नहीं है, अगर उनका रेशियो भी पता होता ना तो हम नेपियर्स एनालॉजी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नॉट ओनली टू साइड्स एंड वी नीड टू नो एन एंगल, और आपने नोटिस किया ये एंगल जो है इन दो साइड्स के बीच का एंगल है, है ना? देखो a b c, a b c, क्लियरली a b और उनका बीच का एंगल, इसका मतलब एनी टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल given, है ना, any two sides and included angle, अच्छा, लेकिन any two sides और included angle अगर दे रखा है, तो हम cosine rule भी apply कर सकते हैं, remember, cosine rule क्या होता है, cosine rule is, मान लो, according to this, अपने पास a है, b है, angle c है, remember, we can find c square, a square plus b square minus 2ab cos c, isn't it, ये हो गया आपका cosine rule, अच्छा, ये हो गया आपका Napier's analogy, अच्छा, तो दो साइड और एंगल दे रखा है, अगर आपको थर्ड साइड फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड थर्ड साइड, वी अप्लाई कोसाइन रूल, ठीक है। एंड से वी वांट टू फाइंड द अदर टू एंगल्स, से वी वांट टू फाइंड टू अदर टू एंगल्स, वी कैन फाइंड अदर टू एंगल्स, इज इट,
तो ये है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है, तो आपको ना इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ए माइनस बी बाई टू के बारे में पता चल जाएगा, माने ए माइनस बी मिल जाएगा आपको। अच्छा ऑलरेडी एंगल सी है अपने पास, रिमेंबर एंगल सी से आपको ए प्लस बी पता होगा है ना। मान लो एंगल सी 45 होगा तो ए प्लस बी होगा 135, अगर मान लो एंगल सी 60 होगा ए प्लस बी होगा 120, और यहां से ए माइनस बी मिल जाएगा एड करने से, ए सब्ट्रैक्ट करने से बी। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल गिवन, यू वांट टू फाइंड थर्ड साइड तो कोसाइन, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल गिवन, यू वांट टू फाइंड द अदर टू एंगल्स, सिंपली गो फॉर नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, रिमेंबर नॉट ओनली अदर टू सॉरी नॉट ओनली टू साइड्स उनका रेशियो दे रखा है तो भी हम नेपियर्स एनालॉजी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कहानी नेपियर्स एनालॉजी का फंडा। तो अब हम करेंगे सॉल्व कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज इक्वल टू रूट बी प्लस 1, बी इज इक्वल टू रूट बी माइनस 1 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, वी नीड टू फाइंड फर्स्ट स्मॉल सी, सेकेंड कैपिटल है, थर्ड कैपिटल बी है ना। इसी स्मॉल सी का मतलब थर्ड साइड, कैपिटल ए, कैपिटल बी का मतलब द अदर टू एंगल्स, इज इट। सो यू सी यू वांट टू फाइंड थर्ड साइड, वी गो फॉर कोसाइन रूल। ठीक है, यू वांट टू फाइंड थर्ड साइड, वी गो फॉर कोसाइन रूल। तो आई होप यू कुड फाइंड साइड सी बाय यूजिंग कोसाइन रूल है ना। तो ये इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम करेंगे स्ट्रिक्टली नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, सो वी वांट टू फाइंड द अदर टू एंगल्स ए एंड बी। ठीक है, अच्छा सो क्लियरली यू सी टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, वी कैन ऑलवेज अप्लाई नेबर्स एनालॉजी। अच्छा पहली बात, एंगल सी 60 है, सो रिमेंबर ए प्लस बी शुड बी 180 माइनस सी, 180 माइनस 60 सो 120, तो ए प्लस बी रहा 120, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब tan a माइनस बी बाय 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू राइट cot ऑफ c बाय 60 बाय 2। ठीक है, ये देखो यहां रूट थ्री कटेगा, बचेगा सॉरी ये माइनस है ना, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ रूट थ्री कटेगा 1 माइनस और माइनस 1 2, यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कटेगा तो बचेगा 2 रूट थ्री इंटू कॉट 30। कॉट 30 कितना होता है, रूट थ्री होता है, रूट थ्री कटेगा 2 2 कटेगा, अल्टीमेटली ये देखो ये 1 है, tan a माइनस बी बाय 2 है 1, तो tan 1 कब होता है 45 है, अने a माइनस बी इज 90, ये कंडीशन नंबर 2। तो 1 और 2 को ऐड किया राइट, वी गेट 2a व्हिच इज हाउ मच है ना, ये 120 और 90 का सम कितना होता है 210 राइट। सो a इज इक्वल टू 105 राइट, a इज 105, पुट इट बैक, b शुड बी इक्वल टू 50 डिग्री राइट। अच्छा तो ये देखो, द सेम क्वेश्चन कुड हैव बी, सेम क्वेश्चन कुड हैव बी इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू, ए इज टू बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड कैपिटल ए कैपिटल बी। इस कोड आपने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो सकता था। अब देखो, तो कुड वी हैव अप्लाइड नेपियर्स एनालॉजी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। ये देखो अपने पास ए और बी नहीं है लेकिन उनका रेशियो है, तो भी आप नेपियर्स एनालॉजी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, वेरी सिंपल, जस्ट अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंड, तो ए अपॉन बी इज 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 है ना, कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करो, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, 2 plus root 3 minus 1 upon 2 plus root 3 plus 1, and then इसकी value उठा के
यहाँ डाल दो, है ना, टू बी, ये आप सॉल्व कर पाओगे, है ना, यू शुड बी एबल टू गेट द सेम आंसर, राइट। तो प्लीज मूव दिस क्वेश्चन एज वेल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई लाइक यू टू ट्राई अ सिंबल, क्वेश्चन नंबर 2। इट इज गिवन टू अस कि ए स्मॉल ए इज 2, स्मॉल बी इज रूट 3 माइनस 1 एंड एंगल सी इज 120 डिग्री, एंगल सी इज 120 डिग्री, देन फाइंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो गाइस बी केयरफुल हियर, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल तो अपने को लगता है कि कोसाइन रूल अप्लाई करना है, बट रिमेंबर टू फाइंड थर्ड साइड वी यूज कोसाइन रूल, लेकिन यहां आपको एंगल्स ढूंढना है, तो वी वुड रादर अप्लाई नेपियर्स एनालिसिस, या आप साइन रूल से भी कर सकते हो। कोसाइन रूल अप्लाई किया पहले, थर्ड साइड निकाला, फिर साइन रूल अप्लाई किया टू फाइंड एंगल एंड एंगल बी। अच्छा, कोसाइन रूल एंड साइन रूल कैन आल्सो बी अप्लाई, ठीक है। सो ओके, मैं तरफ से एक और आई लाइक टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 इन अ डिफरेंट वे। कैसे, आपने थर्ड साइड निकाला और यूजिंग थर्ड साइड फाइंड कैपिटल ए कैपिटल बी यूजिंग साइन रूल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ ए इज 2b एंड ए माइनस बी इज पाई अपॉन 3, देन फाइंड एंगल सी। क्योंकि ऑलरेडी ए बी से बड़ा है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगा, तो ए माइनस बी इज 60 डिग्री, ठीक है। Clearly, two sides, and we need to find included angle, and there have been difference of two angles. देखो, difference of two angles तो एक ही rule में है, वो Napier's analogy. तो apply करेंगे. Tan A minus B by 2, है ना? A minus B by 2 is, अच्छा पहले formula लिखते हैं. A minus B upon A plus B into cot C by 2. अच्छा ये देखो. अच्छा एक आप एक काम कर सकते हो, a की जगह 2b सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या यू कुड राइट इट दिस वे, a upon b is 2 upon 1, अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड एंड देन सब्स्टिट्यूट, शायद से ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना बेटर होगा, राइट। सो tan a minus b की वैल्यू 60, 60 upon 2 30, a 2b minus b upon 2b plus b is equal to cos c by 2, वैसे की वैसे तो tan 30 होता है 1 by root 3, अच्छा b upon 3b which is 1 by 3, so cot c by 2 is equal to 3 numerator में, तो आएगा root 3, cot root 3 कब होता है 30 पे, तो c is 60। अच्छा इसे आप एंगल एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, C 60 है तो A plus B कितना रहेगा 120, और A minus B है 60, तो 2A is 180 और A 90 degree है, A 90 degree है तो B 30 degree, ठीक है। अब आते हैं next question पे, question number 4 and last question based on Napier's analogy, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा आपको लिखना होगा, the tangent of half the difference of two angles, tangent of half the difference of two angles, so let the two angles be AB, तो उनका difference का आधा और tangent of, है ना, तो tangent of half the difference of two angles is, है ना, is का मतलब is equal to one third, is one third
tangent of half the sum of the angles, half the sum of the same angles. Tangent of half the difference of two angles is 1/3 tangent of half the sum of two angles. Then determine the ratio of sides opposite to the angles. Determine the ratio of sides opposite to two angles. So the two angles are A and B. So he's asking us to find A is to B. अच्छा मुझे लग रहा है कि ये और ये सेम क्वेश्चन है ना? ये देखो tan of A minus B by 2 is equal to tan of A plus B by 2. Remember ये already हम कर चुके हैं. Remember A plus B by 2 होता है 90 minus C by 2. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम. tan of a plus b by 2 is tan ये हो जाएगा 90 minus c by 2 and tan 90 minus theta is cot theta. Is it? Now look at this question. This is very much comparable to this. Direct formula जैसा है और ultimately a minus b upon a plus b है 1 by 3. ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन में a minus b upon a plus b का वैल्यू आया 1 by 3. इसका मतलब a is to b is 2 is to 1, है ना? लुक्स लाइक थोड़ा ये क्वेश्चन को घुमाया होगा थोड़ा सा. एनीवे फर्दर अप्लाई कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड और यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 3a minus 3b is a plus b. सो 2a is 4b, a is 2b. सो a upon b is 2 upon 1. देयरफॉर a is to b is 2 is to 1. ठीक है, सो दिस विद दिस वी फिनिश नेबर्स होमोलॉजी. तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है नेबर्स एनालॉजी में, बस एक दो क्वेश्चन है ना. बस इतना याद रखना है आपको कि नेबर्स एनालॉजी कब एप्लीकेबल है. यू सी टू एंगल्स, सॉरी टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन द टू साइड्स गिवन टू अस, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द अदर टू एंगल्स वी गो फॉर नेबर्स एनालॉजी. ठीक है, अब आते हैं हाफ एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला. एंड रिमेंबर नेबर्स एनालॉजी इज डिराइव्ड by using sine rule, है ना? देखो, we start with RHS, A को sine A, B को sine B से replace किया, factorization formula apply करो, simplify करो, तो आएगा tan A minus B by 2, ठीक है? Anyway, ये अपना boards class में कर चुके हैं. अब आते हैं हम, दिस इज आवर नंबर, कौन सा नंबर आएगा, चार, चार रूल्स हो चुके हैं ना. दिस विल बी योर 5 व्हिच इज हाफ एंगल फॉर्मूला. इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी फॉर्मूले करके भी नाम है, लेकिन हम इसको यही नाम से याद रखेंगे. ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले. ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूले है साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, एंड इट्स फॉर एवरी एंगल. इसका मतलब देर आर 9 हाफ एंगल फॉर्मूले. बस आपको ना एक ही याद रखना होगा, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ओनली वन, राइट? वो कौन सा, लेट्स सी. ओके, ये देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, साइन a by 2 क्या होता है, साइन a by 2, राइट? तो पहली बात ये रूट के अंदर रहेंगे, हमने ये डिराइव भी किया था शायद से, बट एनीवे साइन a by 2 इज इक्वल टू, ये देखो, देखो यहाँ LHS में a है तो RHS में a नहीं रहेगा साइन के हिसाब से, साइन के इसमें तो ये रहेगा s माइनस b s माइनस c अपॉन bc. ठीक है, where S is obviously semi perimeter a plus b plus c upon 2. ठीक है, where S is semi perimeter, right? So यहाँ a है तो यहाँ a नहीं रहेगा, S minus b S minus c upon bc. ठीक है, अच्छा similarly what about sine b by 2? Sine b by 2 के लिए क्या रहेगा? So what would be formula for sine b by 2? देखो a के बाद bc, यहां b है, b के बाद आएगा ca,
तो ऊपर में रहेगा एस माइनस सी एस माइनस में, ठीक है, सेम फैशन। सिमिलरली साइन सी बाई टू, देखो सी के बाद ए बी, तो नीचे ए बी, ऊपर एस माइनस ए और एस माइनस बी, ठीक है, ये हो गए हाफ एंगल फॉर्मूले फॉर साइन। ठीक है, अब आते कॉस, लेट्स लुक एट कॉस ए बाई। अच्छा, इन इन तरह डिनोमिनेटर्स रिमेन सेम, साइन ए बाई टू का जो डिनोमिनेटर है वही कॉस ए बाई टू के लिए रहेगा। तो कॉस ए बाई टू का मतलब ए है, तो यहां नीचे रहेगा बीसी, राइट। सो न्यूमरेटर में नाउ रिमेंबर, आपको हेरोन फॉर्मूला याद होगा अच्छा से, है ना, वो है रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यार देखो एस माइनस बी एस माइनस सी है, तो मिसिंग है एस इंटू एस माइनस ए, वो यहां यूज करेंगे एस इंटू एस माइनस ए। इसका मतलब यहां ए रहा तो यहां ए रहेगा एस माइनस ए साथ साथ में एस, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर तो सेम, अब हम मिलेंगे थर्ड कॉस बी वाई, सेम फंडा, बी तो नीचे रहेगा सी ए, तो ऊपर में एस इंटू एस माइनस बी न्यूमेरेटर के हिसाब से। सिमिलरली कॉस सी बाई टू, व्हाट अबाउट कॉस सी बाई टू, अपॉन डिनोमिनेटर में सी है तो ए बी, तो न्यूमेरेटर में एस इंटू एस माइनस सी। तो ये हो गया हाफ एंगल फॉर्मूले फॉर कॉस। फाइनली टैन, टैन के लिए ऑल यू नीड टू डू इज कि जस्ट डिवाइड, उनको डिवाइड करो, एज सिंपल एज दैट। तो tan a by 2 is root over, देखो sin के हिसाब से a नहीं रहेगा, s minus b, s minus c, नीचे में ना cos के हिसाब से a रहेगा, ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया हमने, तो bc bc कटेगा, तो this upon this is your answer, ठीक है। Similarly for tan b by 2, root over, नीचे में देखो ऊपर में बी के बाद आएगा सी, तो एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन कॉस के हिसाब से एस इंटू एस माइनस बी, ठीक है। और देखो टैन सी बाई टू, सेम फंडा, साइन के हिसाब से एस माइनस ए एस माइनस बी, और नीचे में कॉस के हिसाब से एस इंटू एस माइनस, ठीक है। तो अब इसमें देखो टैन के फॉर्म में ना हम इसको मॉडिफाई करेंगे, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं टैन के, डेल्टा के टर्म्स में कुछ फॉर्मूले हैं और वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अभी कुछ देर के बाद हम मॉडिफाई करेंगे इसको, बट इसके पहले हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एज वेल, है ना, साथ साथ में, ठीक है। तो हम बोर्ड के बाद क्या था, क्या डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट एनीवे इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ना, हम इसको डेल्टा के टर्म्स में लिखा जा सकता है इनके फॉर्मूले, ठीक है, लेट्स। अच्छा यहां लिखेंगे स्पेस में 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहला, अगर हमने एरिया को कहा डेल्टा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो सबसे बेसिक फॉर्मूला ना। दूसरा वाला आएगा डेल्टा इज इक्वल टू, ये देखो हमने ये वाला फॉर्मूला बोस क्लास में डिराइव किया था शायद से, ए बी सी, देखो बेस इज ए, आपको ना हाइट निकालना होगा, वी नीड टू फाइंड हाइट, ठीक है, वी नीड टू फाइंड हाइट विच इज बेसिकली ए डी इन दिस केस। तो ये ट्रायंगल्स है, रिमेंबर ये सी होता है और ये होता है बी, तो हम रिसेंटली प्रोजेक्शन रूल के वक्त हमने डिस्कस किया था कल वाला क्लास में कि ये सी है तो इसका प्रोजेक्शन माने नीचे वाला होगा सी कॉस बी, रिमेंबर ये होता है सी कॉस बी और ये होता है बी कॉस सी, ठीक है। नाउ रिमेंबर अगर हॉरिजॉन्टल वाला कॉस होता है तो वर्टिकल वाला होगा साइन, है ना, तो AB वाला जो है वो होगा C साइन B,
या आप ट्राइंगल के इससे आप डिराइव भी कर सकते हो, कैसे, इन ट्राइंगल ए बी डी साइन बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन डायरेक्ट शॉर्टकट फिक्स है। तो ये रहेगा सी कॉस बी और ये रहेगा सी साइन बी, तो इधर साइड के हिसाब से ये रहेगा बी साइन सी, ठीक है। एनीवेज का डेरिवेशन पार्ट अपना बहुत स्मॉल में है तो प्लीज वेरीफाई और चेक कर सकते हो, राइट। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस एरिया इज हाफ इनटू, देखो बेस है ए और हाइट का मतलब ए डी, ए डी हमने ट्राइंगल के हिसाब से निकाला, इधर ट्राइंगल के हिसाब से आया सी साइन बी, सी साइन बी, तो यू सी इट इज सिंपली हाफ ए सी साइन बी या हाफ इनटू बेस इनटू उधर वाला ट्राइंगल के हिसाब से ए डी आया बी साइन सी, तो हाफ ए बी साइन सी। नाउ यू सी आपने नोटिस किया कि हाफ तो कॉमन है, दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल है ना, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, हम इसको अब जनरलाइज करेंगे, राइट। कैसे जनरलाइज करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ, अगर आपने कंसिडर किया ए बी तो यहां आएगा साइन सी, या हाफ ए बी के बाद आएगा बी सी साइन ए, या हाफ सी ए साइन बी, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन यू सी टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बेस और हाइट की जरूरत है या दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल, अगेन यू सी अगर आपके पास दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल होता तो भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स फॉर्मूला, रिमेंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स फॉर्मूला, रूट ओवर एस एस माइनस ए एस माइनस बी S minus C, ठीक है, this is according to Heron's formula. अच्छा, और the next formula is that delta is equal to, okay, fine. अच्छा, तो ये वाला formula कब apply करेंगे हम? अगर मान लो आपके पास तीनों भी sides हो, you know all the three sides, small a, small b, small c, तो हम सभी perimeter find कर पाएंगे a plus b plus c by 2, right? तो उससे s minus a मिल जाएगा, s minus b मिल जाएगा, s minus c मिल जाएगा. तो अगर अपने पास ऑल साइड है, इफ ऑल साइड आर नोन टू अस, देन वी गो फॉर हेरॉन्स फॉर्मूला, एनी टू साइड इंक्लूडेड एंगल वी गो फॉर हाफ ए बी साइन सी, बेस और हाइट हो तो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। नाउ अगर इस फॉर्मूला में अगर हमने साइन रूल अप्लाई किया, हाफ ए बी साइन सी में ना साइन रूल अप्लाई किया, राइट, तो हाफ ए बी, अगर हमने साइन रूल अप्लाई किया, ये देखो जैसा ही डेल्टा आ गया ना, अब कैपिटल आर जो है उसका रोल इंपॉर्टेंट है ना, तो हमने साइन रूल के बाद रिमेंबर साइन सी को डायरेक्टली सी से रिप्लेस किया, लेकिन यहां आपको आर लिखना जरूरी है ना, अब आर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। नाउ रिकॉल करो साइन रूल क्या होता है, सी अपॉन साइन सी इज टू आर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो साइन सी उधर टू आर नीचे, साइन सी उधर टू आर नीचे, तो साइन सी सी अपॉन टू आर, यहां लिखूंगा मैं साइन सी सी अपॉन टू आर, सी अपॉन टू आर, तो दिस बिकम्स ए बी सी अपॉन फोर आर, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये कब यूज करेंगे हम, अपने पास तीनों भी साइड्स है एंड रिमेंबर ये होता है सर्कम रेडियस, तो थ्री साइड्स एंड अपने पास अगर सर्कम रेडियस होता तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इफ आपके पास तीनों एंगल्स और सर्कमरेडियस है, तब क्या करोगे, डेल्टा इज इक्वल टू, ये देखो ए की जगह हम लिखेंगे 2r sin a, बी की जगह 2r sin b, सी की जगह 2r sin c, 2r 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 8r cube अपॉन 4r, 2r square sin a sin b sin c, ये भी फॉर्मूला है ना। अगर मान लो आपके पास तीनों भी एंगल्स हो और सर्कम रेडियस हो तो हम ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखो टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, व्हाट इफ वी हैव वन साइड, सॉरी टू एंगल्स आर इंक्लूडेड, उसके लिए एक फॉर्मूला है एरिया, तो अल्टीमेटली छह फॉर्मूले है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए।
इन दैट केस डेल्टा विल बिकम, ये देखो इसी को मॉडिफाई करेंगे, और मैं जो जस्ट राइट द फार्मूला, इट इज a स्क्वायर बाय 2 sin b sin c अपॉन sin, या हम इसको, अच्छा ये जो फार्मूला है ना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो नीड नॉट वरी अबाउट दिस फार्मूला, ठीक है। सो b स्क्वायर बाय 2 इसके हिसाब से देखो, नीचे पे sin b होना चाहिए, ऊपर sin c sin a, राइट। Further, this is c square by 2 sin a sin b upon sin c. When I say we have two angles and included side, then we apply this formula directly. अगर आपको ये formula याद होता, याद नहीं होता तो हम कैसे भी करके बाकी formula use कर सकते हैं, है ना? अच्छा, अब देखो, हम delta use करके ये tan के जो हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे? Let's see. अगर आपको ना न्यूमरेटर में डेल्टा लाना है, so you want to bring delta in numerator, what do we do? What do we have to do to bring delta in numerator? और डेल्टा क्या होता है? Remember delta इसके हिसाब से है ना, ऑलरेडी s माइनस b s माइनस c है, आपको बस s into s माइनस a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है? We just want to multiply and divide by s into s minus a upon, ये देखो पहले से denominator में s into s minus a था, फिर से एक और s into s minus a आ गया। अब देखो numerator वाला जो numerator root के हिसाब से है ना, वो पूरा delta हो जाएगा, root के साथ delta होता है ना, keep this in mind। और नीचे में देखो s into s, s square का root s, s minus, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, tan a by 2 is delta upon s into s minus, राइट। सिमिलरली tan b by